हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम है सबको। यार, अपना कोई फैन वैन नहीं है, अपने तो सभी बादशाह है। तो कैसे हो बिट्टू के बादशाह? हो यार, सब चाहते हैं ना कि उनकी लाइफ का क्लाइमैक्स बहुत ही तूफान बने, पर अपना तो कभी ऐसा हो ही नहीं पाया। साला कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर कोई नहीं, अपने लाइफ का क्लाइमैक्स बनेगा ना तो बहुत ही तूफान बनेगा, इनसे तो ज़्यादा ही। चलता हूँ, याद रखना। भोसड़ा हो गया ना मेरा भी। साले इस हेपे को बिगिनिंग से देखते हैं। बाय द वे, मायसेल्फ झैंग, मैं हर किसी के फोन में हूं। शहर की छोरी हो या गांव की गोरी, बचपन के पंटर हो या पचपन के अंकल, मैं हर किसी के अभिनय का कीड़ा पूरा करता हूं। वैसे मेरा कोई मंदिर नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं पूछते हैं मुझे लोग। अब इसे ही ले लो, बिट्टू, मेरे 500 मिलियन भक्तों में से एक छोटा सा भक्त। छोड़ता ही नहीं है साला। कहाँ से आ रहे हो अच्छा? मार्केट से। भाई के बोला, क्या सीन चल रहा मार्केट वार्केट का? अरे तू तो मालूम ही है कोरोना। अरे अपने लिए क्या कोरोना जी, अपना कोरोना बोले तो मारो ना। दिन रात लाइक्स के लिए हाथ फैलाए खड़े रहते हैं सामने। बिट्टू और मेरा रिश्ता तब जुड़ा था जब इसके बाप ने EMI पे स्मार्टफोन उठा के बिट्टू को चिपका दिया। अब देखो, बालों का बनना बिखरना, हंसना रोना, सब कुछ मेरे साथ। कभी कभार पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन कब किताबें हवा में हो और बाहें फैल जाए कोई भरोसा नहीं। तो ऐसा है बिट्टू और मेरा रिश्ता। कहते हैं ना कि हर स्पर्म का एक प्रोजेक्शन पॉइंट होता है, वैसे ही बिट्टू के झैंग क्रेज का प्रोजेक्शन पॉइंट है शॉन्टी भाई, झैंग वर्ल्ड का पुसी मैग्नेट और बिट्टू का आइडल। बिट्टू अपनी हर सांस में इसके जैसे बनने की कोशिश करता है, लेकिन अब इस गधे को कौन समझाए कि ओरिजिनल एक ही होता है और जीरोक्स साले सब बंडल में निकलते हैं। वैसे प्रकृति का नियम है, जो चला है उसे रुकना भी पड़ता है। इसी नियम के चलते भारत सरकार ने लगे हाथ मेरी नसबंदी कर दी। देखिए, मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ कि बिट्टू ने सुसाइड ही किया है, और डिप्रेशन में आदमी ऐसा कदम उठा सकता है, इसमें इतना बड़ा डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं। ये सीधा सीधा मामला सुसाइड का है और हम वहां तक रहने दे, यही हमारे लिए अच्छा है। वैसे तो हमारी सोशल मीडिया पे बहुत बार बात की हुई है, और वो मेरे छोटे भाई जैसा था, ये पक्का सुसाइड कर लिया। इस समाज ने उनके दिमाग को खोखला कर देके, उनको डिप्रेशन में डाल के उनका मर्डर किया है। और मेरे साथी बाप ने जगह में क्या कह रहे हैं कि मैं मर्डर नहीं हूं, मैं मर्डर कर जगह। तो आपको क्या लगता है आपके दोस्त बिट्टू ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या पता यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बिट्टू ऐसा कर सकता। अरे देखो भाई, ये सारी की सारी गलती है सोशल मीडिया की। आजकल वो कह रहा है, बंदे लोग बना रहे वीडियो पोस्ट डाल रहे हैं। नहीं नहीं, वो मैडम रुकिए रुकिए रुकिए, तो भाई तू राजा आदमी थे, पर कुछ भी बोलो बिट्टू भाई, तुम आज भी हमारे दिल में हो। नहीं, पहले हमें बोलने दीजिए, ये सारी गलती Yeah.
हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम है सबको।